हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का अपना बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट परीक्षा परिणाम को लेकर के, रिवाइज आंसर की को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के क्या कुछ खबरें हैं उसके संबंध में खबर लेकर के आ चुका हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को यानी बात किया जाए तो 17.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जो है इस पैट परीक्षा परिणाम का इंतजार है, स्कोर कार्ड का इंतजार है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रदेश के 75 के 75 जनपदों में 24 अगस्त 2021 को आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा संपन्न कराई गई थी। आपको पता होगा, आपको 100 क्वेश्चनों की सीरीज आपको सॉल्व करनी थी, है ना। ये सब चीज़ें तो आप परीक्षाओं को लेकर के हो गई, लेकिन यहाँ रिजल्ट को लेकर की जो गहमा गहमी यूट्यूब पर चल रही है, क्या कुछ खबरें हैं न्यूज़पेपरों में भी, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फाइनली रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ खबरें हैं ये आपको इस वीडियो में बताया जाएंगी। उससे पहले चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की UP SSC की पल पल की अपडेट आपको सीधे मिलती रहे। पहले बात करेंगे हम लोग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की जो खबरें आज आई हुई हैं। यहाँ से खबरें हम सभी लोग देख सकते हैं, आज 30 सितंबर है, कितना है ना, 30 सितंबर 2021। अब सुबह की खबर है UP SSC, आप यहां से देख सकते हैं फ्रेंड, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सभी लोगों के लिए कि UP SSC पेट रिजल्ट खत्म होने वाला है। UP SSC PT रिजल्ट का इंतजार, तो क्या वो ख़त्म इसी सप्ताह हो जाएगा या फिर अगले सप्ताह तक होगा, उसी के समय बात की जाएगी। लेकिन यहां इनकी क्या खबर है ये जान लेना आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी है। UP SSC कुछ दिनों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर देगा, ये तो सबको पता है। नतीजा आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे, ये भी हमें पता है। UP SSC अक्टूबर में रिजल्ट जारी करने में जुटा हुआ है, अक्टूबर में। अभी तक क्या बात चल रही थी, सितंबर में जारी हो जाएगा, लास्ट वीक में जारी हो जाएगा, थर्ड वीक में जारी हो जाएगा सितंबर को। लेकिन ये भी आ गए अपने औकात पर, आपको पता होगा। जो मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूँ कि 10 अक्टूबर तक आपका पेट रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखिए, मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ ये सब खबरें दिखाने को लेकर के। पूरी प्रक्रिया चल रही है अभी भी और ऑलमोस्ट एकदम लास्ट सीरीज में चल रही है आपकी कापियों का मूल्यांकन। और ये आपको पता होगा, 17 लाख से अभ्यर्थी, लगभग 85% अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए थे। और उत्तर कुंजी जो रिवाइज आंसर की है उसको लेकर के बहुत जल्द ही आपको नोटिस UP SSC के साइट पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि 7 अगस्त जो है लास्ट डेट थी ऑब्जेक्शन की, आपको पता होगा ये गलत दिया गया है। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि यहाँ 7 अगस्त जो दी गई है गलत दी गई है, बल्कि कितना था, 7 सितंबर था, कितनी, 7 सितंबर था, है ना, गलती दी गई है। देख सकते हैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देते चलिएगा, है ना। तो आप लोग ये जान के चलिए फ्रेंड्स, जो आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो पेट का रिजल्ट है ना, UP SSC पेट का जो रिजल्ट है वो 10 अक्टूबर तक ही जारी किए जाने की संभावना है, और संभवतः वह अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा, है ना। अगले सप्ताह आपका ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, आज सितंबर का एंड है आपको पता होगा। तो अगले सप्ताह आपका रिजल्ट जारी करने की पूरे चांसेस बन रहे हैं, वो भी लास्ट में, हर वीक के लास्ट में जारी करने के। और रिवाइज आंसर की आपकी जारी कर दी जाएगी, उसके तुरंत बाद आपका फाइनली जो है स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा UP SSC के द्वारा। रही बात आपके कट ऑफ को लेकर के, तो बहुत से आपने देखा होगा आज तक की कट ऑफ देखी होगी और भी कट ऑफ देखी होगी, तो कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्ज़ाम अभी आप मान के चलिए नवंबर में हो पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, है ना। अब नवंबर में आपका लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा होनी थी, रिटर्न एग्जामिनेशन जो होना है, मुख्य परीक्षा होना है, वो अब कहीं कहीं दिसंबर में जाती हुई दिख रही है। कब, दिसंबर में ये परीक्षा आपकी लेखपाल की होगी, लेकिन हमें तैयारियां पूरी अभी बनाए रखनी है। क्या, हमें पूरी तैयारी अभी भी लेखपाल भर्ती की बनाए रखनी फ्रेंड्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर, आज तक अपडेट UP SSC लेखपाल भर्ती के संबंध में और पेट रिजल्ट को लेकर के, रिवाइज आंसर की को लेकर के, कटाव को लेकर के मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 60% नंबर आपके बन रहे हैं आफ्टर माइनस मार्किंग, तो आप लोग तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए, है ना। उसके अकॉर्डिंग जो भी 2-4 नंबर आप SC ST OBC को कम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग तैयारी करते रहिए।
तो खबर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।